शुभ देसी किचन पे नवरात्रि स्पेशल आपको फ्रूट कस्टर्ड कैसे बनते वो दिखाने जा रहे हैं। तो एक लीटर दूध जो है आप लीजिए और इसको अच्छे से गैस पे गाढ़ा करने के लिए सीखने के लिए 15 से 20 मिनट अच्छे से बॉईल कीजिए, पका दीजिए दूध को। दूध एकदम गाढ़ापन हो गया है, जाड़ा टाइप, 250 ग्राम दूध जल गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट जो काट के रखे काजू बादाम पिस्ता वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद 5 मिनट के बाद शक्कर जो है 2 चम्मच, जो अब कस्टर्ड जो है आपका दूध का ये बन के रेडी है। इसमें आप फ्रूट काट के डाल देंगे, लेकिन दूध ठंडा होने के बाद 1 से 1.5 घंटा आपको ठंडा करने में लगेगा। तो ये दूध देखिए ठंडा हो गया, फ्रूट कस्टर्ड जो बोलते हैं मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं। इसमें आप डाल दीजिए दूसरा बर्तन में। फ्रूट कस्टर्ड के लिए एक एप्पल लीजिए, एप्पल को काट के छील लीजिएगा। एप्पल को ऐसे काट लीजिए बारीक बारीक। उसके बाद 2 केला है, इसके अंदर डालिए। एप्पल हो गया, केला हो गया, तो ग्रेप्स है, अंगूर, तो बीच में से आप काट दीजिए। ग्रेप्स काट लिए हैं देखिए आधा आधा जो बीचों बीच। उसके बाद अनार जो है वो डाल छील के रखे हैं, इसको अनार डाल दीजिए। इसमें तरह तरह का फ्रूट पड़ सकता है और इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो शुद्ध देसी किचन पे फ्रूट मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनके रेडी है। तो देखिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयरिंग करना मत भूलिए। तो शेयर करते रहिए वीडियो और आप लोग एंजॉय करते रहिए, अपने घर पे बनाइए, खाइए फैमिली के साथ।